तो ये गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अपडेट के बारे में। और देखो हम लोग का अभी मेंटेनेंस चल रहा है, कब तक चलेगा ये नहीं पता, ये कुछ कह नहीं सकते हैं, शाम तक शायद सही हो जाए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या चीज़ें हमारे अपडेट में आने वाली है। वैसे तो आने वाली बहुत कुछ है भाई, एक बहुत लंबी लिस्ट है हमारे अपडेट की, पर जो भी चीज़ें हैं मेन इंपॉर्टेंट है मुझे जो पता है मैं बता देता हूँ। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस गेम में यार हमारा अपडेट में बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। अभी जो ट्रेलर देख रहे हो ये 100 लेवल का है, इसको इग्नोर कर दो। और देखो पहला चीज़ जो है हमारा फार्म देखो यार, पहले हमारा बड़ा गंदा दिखता था, पर इसको हम अब अपग्रेड कर सकते हैं, ये ऐसा शीशे का लग सकता है पूरा। फिर उसके बाद देखो ये हमारा ट्री हाउस की जगह हमें गैराज मिलेगा, गैराज का ऑप्शन रहेगा, और एक छोटा सा भी गैराज है और एक अच्छा सा भी गैराज है। तो ये जो हमारा होमस्टेड लेवल होता है ना, अभी 10-11 चल रहा है, 10 चल रहा है, और इस अपडेट के बाद हम 13 तक मैक्स कर सकते हैं। तो ये देखो एक छोटा वाला गैराज, और उससे पहले जो देखे थे वो बड़ा वाला गैराज। फिर बात करते हैं हमारे गन की, तो यार गन देखो इसमें थोड़ा चेंजेस हुआ है। जो हमारी शॉर्ट गन थी ऑरिजिन नाम की, उसमें थोड़ा डैमेज थोड़ा सा बढ़ गया है, और जो हमारी SMG है जैसे कि MP5, ये भी हमारी डैमेज इसकी भी बढ़ गई है। और साथ में हमारे SVD नाम की एक नई गन आने वाली है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगी। जैसा कि आप लोग पता है SVD क्या होता है, ड्रैगनो जिसे हम कहते हैं, पबजी फ्री फायर में हमने खेला ही होगा बहुत पहले। और भाई सही बताओ तो यार इस अपडेट में बहुत सारे चेंजेस है, और हमारी शॉर्ट गन जो थी भाई पावरफुल हो चुकी है, और एक और भी गन है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा वीडियो में। फिर इसके बाद बात करते हैं हमारे कुछ कैरेक्टर्स की, 4 कैरेक्टर आने वाले गेम में। देखो जैसे कि ये वाला कैरेक्टर, ये अपने बैग में कुछ ऐसा लगाया रहता है पीठ के पीछे, और ये कुछ लॉन्चर जैसा निकलता है, मिसाइल जैसी निकलती है, तो ये भी हमारा एक कैरेक्टर है। फिर उसके बाद देखो सेकंड कैरेक्टर ये है हमारा, ये जो शायद ये हीलिंग से रिलेटेड है, और भाई चाइनीज़ में लिखा है तो मैं बता नहीं सकता कि क्या है। थर्ड वाला ये देखो, ये शील्ड बनाता है, टेम्परेरी शील्ड, और ये चीज़ आपको देखी देखी लगेगी क्योंकि ये पबजी और फ्री फायर में पहले से है। फिर ऐसे ही 3-4 हमारे कैरेक्टर हैं जो कि यही सब है, और इसमें एक कैरेक्टर है जिससे भाई उसका तो मुझे पता ही नहीं उसमें क्या है, भाई सब चाइनीज़ में लिखा है तो मैं बता नहीं सकता। तो ये सब चीज़ें हमारे गेम में आने वाली है, अब कैसे मिलेगा ये नहीं पता, शायद हमें ख़रीदना पड़े। और इसमें स्किल वगैरह भी बहुत सारी है, देखो यहाँ पे अनलॉक पड़ा हुआ है, इसको भी अनलॉक करना पड़ेगा, और इसके बाद इसका लेवल वेवल भी बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर बहुत कुछ है भाई बताने के लिए। फिर उसके बाद देखो जैसे कि हमारा एक्सप्लोरेशन वाला होता था बाकी जगह पे, थोड़े कम होते थे, पर इसमें गोल्डन डेजर्ट में देखो यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं, जैसे कि ये ड्रोन वाला मिल रहा है। ड्रोन देखो इसमें ड्रोन का भी अपडेट है, ड्रोन जो है ना उससे हमें मिशन करना पड़ेगा, जैसे कि जाके फायर करना पड़ेगा ड्रोन को उड़ा उड़ा के, और ड्रोन से किसी पर्टिकुलर जगह पे जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखो एक हमारा पार्कर का भी है, जैसे ऐसा सिंबल बना रहेगा बहुत जगह पे, फिर आपको ऐसे सिंबल मतलब पार्कर कर करके उस लोकेशन पे जाना है, आपका मिशन कंप्लीट हो जाएगा। और ये देखो ये ड्रोन वाला वीडियो मैं दिखा देता हूँ, तो ऐसे आपको ड्रोन से मिशन पूरा करना पड़ेगा। अब एग्जैक्टली कैसे काम करेगा ये तो अपडेट आने के बाद ही पता चलेगा, जो क्लिप मुझे मिली है तो मैं उसे आपको थोड़ा बहुत दिखा सकता हूँ, आइडिया आपको मिल जाएगा। और देखो यार और भी गेम में है बहुत कुछ है, और इस अपडेट में भाई हम लोग ना अपने जैसे कि दूसरे के घर में जाते हैं ना, तो वहाँ पे हम कुछ बैटल मोड कर सकते हैं, जैसे कि छोटा मोटा गेम खेल सकते हैं उनके साथ, तो ये वहाँ पे होगा, और हम वहाँ पे बैटल प्लान कर सकते हैं। अब ये भी क्या है नहीं पता, पर अनाउंसमेंट में लिखा हुआ था कि कई सारे मोड हमें मिलेंगे, जैसे कि ये हॉटस्पॉट मोड, भाई पता नहीं क्या है, कुछ कह नहीं सकते। फिर ये भी ट्रेलर देखो, ये भी हमारा 100 लेवल के बाद का है, इसमें बहुत खतरनाक खतरनाक मॉन्स्टर भी है। तो एक हमारा और आने वाला है हीलिया बेस करके है, हीलिया एयर बेस, तो ये हमें साथ PVP में मिले। और जो मैं नए गन की बात कर रहा था, तो देखो ये रहा हमारा नया गन, इसका ये कब मिलेगा मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, शायद इस अपडेट में आए या फिर अगले अपडेट में आए, पर भाई ये गन जो है ना बहुत तगड़ी दिख रही है। तो यह देखो ये गन जो है ना, ये हमारी एक तरह से कहते तो शील्ड गन है, और भाई सही बता रहा, बड़ा बड़ा खतरनाक दिख रहा है देखने में, तो ये भी हमें देखने को मिलेगा मे बी। तो गोल्डन डिजिट आने के बाद हम लोग को एक एक्सप्लोरेशन शॉप भी मिलेगा, उसमें हमें जो टोकन वगैरह मिलेंगे उससे एक्सचेंज कर सकते हैं, एक नया रेपुटेशन सिस्टम मिलेगा ऑल गैंग का, तो वहाँ से भी हम नए नए ब्लूप्रिंट्स ले सकते हैं, सिरिंज ले सकते हैं, बैक की पॉकेट ले सकते हैं, तो ये भी सही है, ये भी आने वाला है। और सही बताओ ना तो इसमें बहुत सारे मिशन ऐड कर दिए गए हैं भाई, बहुत सारे स्पेशल ऑपरेशन भी इसमें बहुत सारे हैं, तो अभी हम लोग को बहुत अच्छे अच्छे बॉसेस से फाइट करना पड़ेगा। तो हम लोग जैसा कि आपने देखा होगा पिछले ट्रेलर में मैंने दिखाया था कि 3 तरह के हमारे बॉस अभी इसमें आएंगे गोल्डन डेजर्ट में, एक हमारा वो जो स्कॉर्पियो था, दूसरा हमारा जो डेटवॉर्म था, सैंड वॉर्म कह सकते हो, और तीसरा हमारा वो जायंट लिजार्ड थी। तो ये तीनों हमें इसमें देखने को मिलेंगे, और आने वाले फ्यूचर में हम लोग को रोबोट वगैरह भी देखने को मिलेगा, बहुत सारे रोबोट रहेंगे। और सही बताओ ना तो इस अपडेट में समझ लो कि ऐसा है कि जो डैमेज रहेगा ना इनका बहुत तगड़ा हो जाएगा भाई, बहुत ज़्यादा तगड़ा। और देखो ये जो हमारा ये एस्ट्रल टावर होता था ना, इसमें हम लीजेंडरी मैक्स था 50-60 लेवल तक जा सकते थे, अब ये पिनाकल तक हो गया है, अब 80 लेवल तक हम जा सकते हैं।
और ही आइलैंड जो है ना, ये भाई हमारा आएगा 90 लेवल के बाद, सॉरी इसी से 90 और 100 के बीच में ही आएगा हमारा। और माउंटेन वाला जो है ये, मतलब आइस वाला जो मैप है, ये हमारा 100 लेवल के बाद आएगा। तो ये सब चीज़ें पहले से ही जान लो। फिर उसके बाद लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जीन। तो देखो यार, इसमें हम लोग को ये जीन टेबल मिलेगा मिशन पूरा करने पे। और इससे क्या होगा ना कि देखो, यहाँ पे हम अपने 4 तरह के जीन को यहाँ पे म्यूटेट करके लगा सकते हैं, अपनी रेटिंग बढ़ा सकते हैं। रेटिंग बढ़ाने के लिए 2 नई चीज़ें आ चुकी हैं और इसमें से एक हमारा जीन भी है। तो इसमें देखो कुछ आइटम डालना पड़ेगा, कोई सा भी आप आइटम डाल सकते हो। 4 बॉक्स में आपको थोड़े बहुत आइटम डालने पड़ेंगे, फिर उसके बाद इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ये जीन मतलब समझ लो कि एक तरह का गन वन में जैसे हम मॉडिफाई करते थे, वैसे ही हमें यहाँ भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो रेटिंग वगैरह दिख रही है 78। तो ऐसे हमें अच्छे अच्छे जीन्स को हम इसको ना ये ट्रेड भी कर सकते हैं भाई। अगर तुम्हारे पास अच्छा जीन है तो तुम ट्रेड करके बेच सकते हो, गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। और इसके लिए कुछ आइटम चाहिए होगा जो कि हमें गोल्ड स्टोर में मिल जाएगा, थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, पर भाई इसे बता रहा, रेटिंग बढ़ेगा, पावर बढ़ेगी, तो करना तो पड़ेगा ही। और वैसे भी गेम में थोड़ी कम चीज़ें थी पिछले अपडेट में, तो थोड़ा सा बोरिंग लग रहा था। और इस अपडेट में भाई इतनी चीज़ें हैं ना कि पूरा 1 महीना बीत जाएगा आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करते करते, फिर भी शायद ही आपका पूरा कंप्लीट हो पाए। तो इस अपडेट में बहुत कुछ है बताने के लिए, और जीन वाला ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पर मैं पूरा एक अलग वीडियो बनाऊँगा, बहुत सारे वीडियो बनाऊँगा इस पर, सारे अपडेट्स पे बनाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एकदम अप टू डेट रहने के लिए, जो भी चीज़ें बताऊँ जान लेना जल्दी जल्दी, जो भी टिप्स एंड ट्रिक मिले। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, वैसे तो बताने के लिए और भी बहुत कुछ है, पर इतने में ही खुश रहो। जो जो चीज़ें और बताना रहेगा मैं आपको अपडेट आने के बाद बता दूंगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।